वाली वीडियो ग्रामर की नौवां दिन है, बेसिक ग्रामर का नाइन्थ डे है कि ये ग्रामर कौन सा है, डब्ल्यू स्टाइल क्वेश्चन। आप इसके पहले जान चुके हैं क्वेश्चन दो प्रकार के हैं, एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन और एक होता है डब्ल्यू स्टाइल क्वेश्चन। और यस नो टाइप क्वेश्चन को आप पढ़ चुके हैं, अब बारी किसकी आती है, अब आती है दोस्तों डब्ल्यू स्टाइल पढ़ने की। ढेर सारे बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इसमें, बहुत कंफ्यूजन होता है, कहते हैं डब्ल्यू स्टाइल में कंफ्यूजन होता है, लेकिन ध्यान रखना आज का ये वीडियो आपके सारी कंफ्यूजन को दूर करने वाला है। तो ये वीडियो पूरा देख करके उठिएगा ताकि आपके कल होने वाले एग्जाम में पूरा पूरा नंबर मिल जाए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं डब्ल्यू स्टाइल क्वेश्चन क्या होता है। दोस्तों जब भी आपको डब्ल्यू स्टाइल क्वेश्चन आएगा, आपके सेंटेंस में कोई ना कोई पार्ट, कहीं ना कहीं कोई पार्ट अंडरलाइन रहेगा। अंडरलाइन क्यों रहेगा, मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि उसका आंसर वही आए जो आपको अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहां पर बॉयज हैड नरेटेड ए न्यू स्टोरी टुडे इन द क्लासरूम, बॉयज हैड नरेटेड ए न्यू स्टोरी टुडे इन द क्लासरूम। अब यहां पर मान लीजिए बॉयज को अंडरलाइन किया गया है, तो बॉयज को अंडरलाइन किया गया है तो आपको एक ऐसा डब्ल्यू स्टाइल क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ताकि आंसर उसका वही आए जो अंडरलाइन किया गया है, मतलब बॉयज क्या होगा आंसर, हु हैड नरेटेड ए न्यू स्टोरी टुडे इन द क्लासरूम, हु हैड नरेटेड, आप आंसर देंगे बॉयज, ठीक। जैसे ये देखिए नरेटेड, नरेट किया था, व्हाट हैड बॉयज डन, लड़कों ने क्या किया था, नरेट किया था। इस प्रकार से आप डब्ल्यू स्टाइल बनाएंगे, लेकिन इसके कुछ छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे रूल्स हैं, नियम हैं। आप अगर नियम ध्यान देख लेंगे तो आपको डब्ल्यू से आज के बाद डर लगने वाला नहीं है। आइए देखते हैं कैसे ये है, ध्यान देना। कोई सेंटेंस हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें मैक्सिमम तीन चीजें होती, मैक्सिमम मिनिमम नहीं, मैक्सिमम तीन चीजें होती हैं। वो कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं, वहां पर या तो सब्जेक्ट होगा, जो अंडरलाइन किया गया है वो सब्जेक्ट होगा। अगर मान लो सब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या होगा, वर्ब होगा, क्रियापद होगा, क्रियापद अंडरलाइन किया गया है। अगर मान लो क्रियापद भी अंडरलाइन है तो ऑब्जेक्ट होगा, क्या ऑब्जेक्ट ना, कर्म होगा। तो इन तीन चीजों को अलग अलग कैटेगराइज करके आज हम डब्ल्यू स्टाइल क्वेश्चन को पूरी तरह से आश्वस्त करने वाले हैं, पूरी तरह पढ़ने वाले हैं। और आज का ये वीडियो आपको डब्ल्यूएस से निजात, डब्ल्यूएस की जो समस्या है, जो डर है, उससे पूरी तरह से निकाल पार करेगा। आइए फिर देखते हैं चलिए सबसे देखिए चंदन देते हैं, बॉयज हैड नरेटेड ए न्यू स्टोरी टुडे इन द क्लासरूम। अब ये जो चीजें आप अंडरलाइन देख रहे हैं, नंबरिंग किया अंडरलाइन पीछे में, इसी प्रकार से कहीं न कहीं किसी जगह एक जगह अंडरलाइन रहेगा। अब मान लीजिए जो अंडरलाइन किया गया है उसको पहचानना आपका काम है, वो सब्जेक्ट है कि वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों को अलग अलग नियमों से हम डब्ल्यूएस बनाते हैं। जैसे क्या मतलब कि ये बॉयज, बॉयज अंडर लाइन आ गया, तो जब बॉयज अंडर लाइन आ गया, बॉयज है क्या, बॉयज सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट का अलग रोल होगा। आगे चले सेकंड नंबर देखिए नरेटेड, अगर मान नरेटेड अंडर लाइन है तो ये क्या है, वर्ब है, वर्ब के आधार पर करेंगे। अगला अन्यू, अच्छा वर्ब के बाद सारी वर्ड ऑब्जेक्ट है, वर्ग के बाद सारे वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन उनकी कैटेगरी अलग अलग है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्लेस है, पर्सन है, टाइमिंग है, टाइमिंग है, अमाउंट है, कुछ भी। अब देखिए अन्यू, अन्यू क्या है, एडजेक्टिव है, स्टोरी नाउन है, टुडे टाइम है, इन द क्लासरूम प्लेस है। तो यहां पर हर चीजों का, हर वर्ड का अलग अलग डब्ल्यू स्टाइल होगा। अब कैसे होगा, आइए हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सब्जेक्ट अंडरलाइन रहेगा क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट अंडरलाइन रहेगा क्या करेंगे, ये देखिए नंबर एक, अगर मान लीजिए आपके सेंटेंस में जो अंडरलाइन पोर्शन है वो सब्जेक्ट है, एग्जांपल देखेंगे बॉयज हैड नरेटेड ए गुड स्टोरी टुडे इन द क्लासरूम, ये पार्ट आपका अंडरलाइन है।
और ये पार्ट अंडरलाइन है, तो ऐसा डब्ल्यू बनाना है हमको कि उसका आंसर बॉयज आए। अब ध्यान देना, अगर आपका सब्जेक्ट अंडरलाइन है, सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया गया है, ध्यान देना वो सब्जेक्ट या तो पर्सन होगा, क्या होगा पर्सन, या तो नॉन पर्सन होगा, कन्फर्म या तो पर्सन होने वाला है या नॉन पर्सन होने वाला है। मान लीजिए आपका वो सब्जेक्ट पर्सन है तो पक्का फिक्स हो गया भाई, हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत हु से करने वाले हैं, पक्का हु 100% हु, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर स्टार्टिंग का पार्ट सब्जेक्ट जो अंडरलाइन है वो पर्सन है, राम श्याम मोहन सीता मीता गीता यू ही आई सी स्टूडेंट इस प्रकार थे, तो आपके डब्ल्यू एच की शुरुआत होने वाली है हु से। लेकिन अगर वो नॉन पर्सन यहाँ पर आ जाए तो आप क्या करेंगे, व्हाट से शुरू करेंगे, किससे, व्हाट से। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए ये आपका बॉयज क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में कैटेगरी कौन सी है, पर्सन की है, तो क्या करने वाले हैं, उसी सब्जेक्ट की जगह पर आप हु लगाएंगे, डब्ल्यू एच ओ हु लगाएंगे, और पूरा सेंटेंस बिना किसी चेंजेस के, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी छेड़छाड़ के लिख देंगे, हो गया आपका आंसर डब्ल्यू एच। देखिए बॉयज हैड नरेटेड गुड स्टोरी टूडे इन द क्लासरूम, इसका आंसर क्या होगा, Who had narrated a good story in the classroom? Who had narrated a good story? यहाँ टूडे छूट गया है, टूडे इन द क्लासरूम, आज क्लासरूम में एक अच्छी सी कहानी को किसने नरेट किया, आंसर आया बॉय ने, क्या। अब एक एग्जाम्पल और जब देख लेते हैं, ये देखिए बुक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ध्यान देना अब यहां पर बुक्स को अंडरलाइन किया गया है। अब पहले बात बताओ बुक की कैटेगरी क्या है, बुक सब्जेक्ट के रूप में आया है कि वर्ब के रूप में आया है कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, बुक सब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है, लेकिन ये नॉन पर्सन है, पर्सन नहीं है, तो नॉन पर्सन क्या करोगे, यहां आप लगाएंगे हु, व्हाट, व्हाट What are important for you? क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। इस प्रकार से आपका पहला पॉइंट हो गया क्या, अगर सब्जेक्ट अंडरलाइन है, अगर सब्जेक्ट अंडरलाइन है तो आप पहचान लेंगे, क्यों, क्योंकि हो सकता है वो पर्सन हो, नहीं तो हो सकता हो कि नॉन पर्सन हो, अगर पर्सन है तो हु से शुरू कर देना, नॉन पर्सन व्हाट से शुरू कर देना, हो गई कहानी खत्म, ठीक। तो अगर सब्जेक्ट अंडरलाइन रहेगा तो हु या व्हाट करके हम लोग आगे उसका आंसर कर लेंगे। अच्छा अब मान लीजिए, अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपको दिए जाते हैं, उसका आप प्रैक्टिस करेंगे, क्या सेंटेंस है, द बुक इज हेवी, द बुक इज हेवी, बुक इज हेवी, बुक इज अंडरलाइन, वो सब्जेक्ट के प्लेस पर है लेकिन है क्या नॉन पर्सन है, तो आप क्या लगाने वाले हैं, आप लगाने वाले हैं व्हाट, क्या लगाएंगे व्हाट, और व्हाट लगा करके पूरा सेंटेंस जो करते हो बिना किसी चेंज कर लेंगे, व्हाट इज हेवी, क्वेश्चन मार्क हो गया। नेक्स्ट देखिए, करण इज माय फ्रेंड, करण इज माय फ्रेंड, करण एक सब्जेक्ट है और पर्सन है, क्या लगाएंगे इसी की जगह पर, माने करण को रिमूव करके, करण को निकाल करके क्या करेंगे, लगाएंगे हु, हु इज माय फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क, ट्रीज आर आर लंग्स, ट्रीज आर आर लंग्स, ट्रीज क्या है सब्जेक्ट के प्लेस पर है, सब्जेक्ट के प्लेस पर है और ये नॉन पर्सन है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे व्हाट आर आर लंग्स, और एक सेंटेंस लास्ट में है, रैना रोट ए लॉन्ग 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 लेटर, रैना रोट ए लॉन्ग लेटर, यहाँ क्या करेंगे इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए, ठीक। इस प्रकार से आपने देख लिया सब्जेक्ट अंडरलाइन रहेगा तो हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हो तो वर्ब हो तो, ये देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अब है कविता हैड सीन अ न्यू बिल्डिंग, रुकिए, कविता हैड ये है, कविता हैड सीन ए न्यू बिल्डिंग, कविता हैड सीन ए न्यू बिल्डिंग,
अब यहां पर सीन जो है ना ये क्या है, अंडरलाइन है। तो सीन है क्या, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। और ध्यान रखना आज के बाद से, कभी भी अगर वर्ब अंडरलाइन है तो आपके डब्ल्यू एच की शुरुआत वर्ड से होगी, लेकिन एकदम सब्जेक्ट जैसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें टिपिकल पॉइंट है। आइए देखते हैं, आपने क्या लगाया, व्हाट। व्हाट क्यों लगाया, क्योंकि वर्ब अंडरलाइन है। आज के बाद से जब भी आपको सेंटेंस में वर्ब अंडरलाइन रहेगा, आपके डब्ल्यू एच की शुरुआत व्हाट से ही होने वाली है। अब ध्यान देना, जब आपने सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के लिए व्हाट या हु लगाया था, तो व्हाट या हु लगाने के बाद में पूरा सेंटेंस बिना किसी परिवर्तन लिख लिया था। लेकिन ध्यान रखना, अब अगर आपने वर्ब या ऑब्जेक्ट के लिए जो भी डब्ल्यू एच वर्ड लगाया, जो भी लगाया, उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब का आना बहुत ही जरूरी होता है। कैसे, व्हाट, अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ध्यान देना, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है क्या, अगर है तो आपको ही मिल जाएगा, और अगर नहीं है, आपने यस तो टाइप पढ़ा है, अगर वर्ब यस या यस में है डज मिलेगा, फर्स्ट में है डू मिलेगा, वर्ब सेकंड में है पास्ट में है तो डिड मिलेगा। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्पिंग वर्ब आपका है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैड। ध्यान देना, व्हाट हैड, आपने व्हाट लगा लिया, हेल्पिंग वर्ब ले लिया। अब एक काम करना, शुरू से चलते हैं, स्टार्टिंग से सेंटेंस को लिखना हम शुरू करेंगे। व्हाट हैड कविता, व्हाट हैड कविता। अब ध्यान देना, व्हाट क्यों लगाया, वर्ब अंडरलाइन था, वर्ब के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आपने ले लिया। अब स्टार्टिंग से कविता ये आप ले चुके हैं, अब जरा इसको देखिए, ये जो सीन है वर्ब है, जरा पहचानना पड़ेगा, ये वर्ब आपका या तो फर्स्ट फॉर्म में होगा, या तो सेकंड में होगा, या तो थर्ड में होगा, या तो आईएनजी में होगा, यही होगा ना। ध्यान देना, अगर आपका वर्ब यहां पर जो वर्ब है फर्स्ट या सेकंड में है, उसकी जगह पर आपको लिखना पड़ेगा अपनी तरफ से डू। जब भी वर्ब अंडरलाइन है, आपने व्हाट लगाया, सेंटेंस लिखा, जब आप वर्ब के पास पहुंचते, यहां पहुंचते हैं, तो ये खाली नहीं रहेगा, इसकी जगह पर हमें कुछ लिखना करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अगर फर्स्ट या सेकंड फॉर्म में है डू लिखना, और अगर थर्ड फॉर्म में है तो डन लिखना, आईएनजी फॉर्म में तो डूइंग लिखना, बस इतनी सी बात याद रखना, बात ही कंफर्म हो गई तुम्हारी। ठीक, क्या हो गया, व्हाट हैड कविता। अब सीन की जगह पर क्या लिखने वाले हो, डन, व्हाट हैड कविता डन। अब कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, यहीं से आपकी अग्नि परीक्षा है, यहीं से आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, आगे का पोर्शन मैं लिखूं कि डले। आप यहां तक पहुंच गए, वर्ब तक पहुंच गए, ध्यान देना, आगे का पोर्शन आप तब लिखेंगे जब आपको कोई प्रीपोजिशन या टाइम डिनोटिंग वर्ड मिलेगा, कोई प्रीपोजिशन मिलेगा या टाइम दर्शाने वाला वर्ड मिलेगा, तब तो आगे का पोर्शन लेंगे। यहां पर देखिए, व्हाट हैड कविता डन, अब यहां तक पहुंच गए, यहां ना प्रीपोजिशन है ना, ठीक ना, कुछ नहीं है, तो आगे का पोर्शन नहीं लिखेंगे, यहां को सम्मान लगा देंगे, हो गया आंसर। सेकंड देखेंगे, आई रोट अ लेटर, क्या लगाएंगे, पहले तो आपको व्हाट लगा ही लेना है। व्हाट क्यों लगा लेना है, क्योंकि वर्ब आपका भाई यहां पर वर्ब अंडरलाइन है, और वर्ब के लिए हमने सीखा था व्हाट लगाएंगे, व्हाट। अब व्हाट के तुरंत बाद में क्या चाहिए हमको, हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरली चाहिए। यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, अब क्या करें, जब हेल्पिंग नहीं दिख रहा है तो वर्ब देखना है, वर्ब अगर प्रेजेंट फॉर्म में है, यस से ईएस के साथ में है, डज मिलेगा, फर्स्ट में है डू मिलेगा, सेकंड में है डिड मिलेगा। ये देखिए, व्हाट हेल्पिंग वर्ब आपको मिल गया, दिख तो नहीं रहा था ना, लेकिन यहां जहां पर हेल्पिंग वर्ब दिखता नहीं है, वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पीछे छिपा रहता है, निकाल लो उसको, निकाल लिया आपने, हो गया, व्हाट डिड। अब स्टार्टिंग से व्हाट डिड आई, हो गया, अब ये ले लिया, आगे देखिए, व्हाट डिड आई, ये कौन से फॉर्म में है, सेकंड ना, और सेकंड में क्या लगाने बोला तुमको, डू, व्हाट डिड आई डू। अब देखना,
व्हाट डिड आई डू, आगे न तो प्रीपोजिशन है न टाइम सॉल्विंग वर्ड है, मतलब आगे का कोई भी वर्ड हमको लिखना नहीं है, हम सीधा यहां पर कुछ समान लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप जब डब्ल्यू इस टाइप बनाना हो, अगर वर्ब अंडरलाइन हो तो क्या करने वाले हैं, वर्ब अंडरलाइन है तो आपने नियम देख लिया। अब बारी आती है ऑब्जेक्ट की, तो बड़ा तो दिख रहा है तो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात इसमें है, ठीक है। अब ये कैसे करके देखना, अगर ऑब्जेक्ट अंडरलाइन है तो ऑब्जेक्ट क्या बताया था, कुछ भी हो सकता है, कैसे, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, टाइम, एडजेक्टिव, एडवर्ब, रीजन, ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ, अमाउंट काउंटेबल, अमाउंट अनकाउंटेबल, इस प्रकार के। अब ध्यान दें, अगर आपका ऑब्जेक्ट है अंडरलाइन है वो पर्सन है, पर्सन में या तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, मतलब हिम होगा, हर होगा ना, तो वहां पर आप शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव में हुम से शुरू करेंगे, किसे, हुम से। अगर वो पॉजिटिव केस में है, माई, हर, आर, हिज ना, तो आप वहां पर हुज से शुरू करेंगे, किसे, हुज से, क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो अंडरलाइन किया गया है आपने ध्यान से देखा, भैया वो तो क्या था, वो तो प्लेस था, तो आपके डब्ल्यू एच की शुरुआत होने वाली है वेयर से, बाकी नहीं है पहले जैसा। अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड है, टाइम दर्शाने वाला वर्ड है, तो आप किससे शुरू करेंगे, व्हेन से। एडजेक्टिव है तो विच से, लेकिन ध्यान रखना एडजेक्टिव है तो विच से, लेकिन विच के बाद में यहां पर लगाया गया प्लस, इसका मतलब जब भी आप एडजेक्टिव के लिए विच लगाएंगे तो विच लगाने के बाद एडजेक्टिव के बाद जो नाउन है ना उसको भी ले लेंगे, जैसे आई सॉ, आई सॉ अ न्यू बिल्डिंग, न्यू अंडरलाइन है तो जाएगा विच बिल्डिंग, विच क्यों, विच नहीं, विच बिल्डिंग हो जाएगा। वैसे ही अगर एडवर्ब है तो हाउस से शुरू करने वाले हैं, रीजन है वाई से करेंगे, ऑब्जेक्ट है कोई वस्तु वगैरह है तो व्हाट से शुरू करेंगे। अगर अमाउंट हो, अमाउंट दो प्रकार का है, एक है काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल, अगर काउंटेबल हो, गिनी जाने वाली चीज हो, आप वहां पर लगाएंगे हाउ मेनी, क्या लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे, और अनकाउंटेबल हो तो क्या लगाने वाले हैं, हाउ मच। इस प्रकार से अगर डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन करेंगे आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हूं ना यहाँ पे, आपने संदेह अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के एक बार कमेंट कीजिए, ये वीडियो हमें फिर से चाहिए, जिस तरह से चाहिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के फिर से आ जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे नए ग्रामेटिकल टॉपिक के साथ।